मैं अगर आप लोग डाइट का कुछ जानना चाहेंगे तो बिल्कुल जान सकते हैं। डाइट में मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत कम ऑयल में बहुत कम स्पाइसेस से सब्जी बनानी होती है एंड लाइक मेरी एक डाइट का हिस्सा है जहाँ मैं सब्जी और ब्राउन राइस खा सकती हूँ, मैं चपाती नहीं खा सकती, तो वो एक बहुत प्योर कॉम्बिनेशन रहता है कि आप पालक और मेथी जैसी सब्जी आप चावल के साथ कैसे खाएं ब्राउन राइस के साथ, तो उसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाने के लिए और थोड़ा और स्वाद बनाने के लिए मैं यूजली एक बनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद आता है, वो आप लोगों को भी पसंद आए। कुछ ही पालक में थोड़ा सा पानी डालकर नमक थोड़ी सी हल्दी डालकर उसको 3-4 अच्छे से प्रेशर दे दिए और साइमल्टेनियसली हमने छोटे छोटे प्याज काटे और सिर्फ 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल उनको सौते किया अच्छे से और खूब सारा लहसुन डाला। मैं पर्सनली अदरक बिल्कुल पसंद नहीं करती, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग थोड़ा सा अदरक भी उसमें डाल सकते हैं पीस के अच्छे से और उसमें फिर मसाले जो मैं ऐड करती हूँ वो होते हैं नमक, तो मैं एंड पालक जैसी सब्जियों में नमक एंड में ही डालती हूँ, तो सी लाल मिर्च ये डाल के उसको टमाटर उसमें ऐड करके टमाटर अब मैं या तो प्यूरी बना के या ग्रेट करके कद्दूकस करके उसको डालती हूँ ताकि वो थोड़ा सा ग्रेवी में थिक हो जाए। फिर इसको अच्छे से पका लें और जो हमारी पालक है जो हमने बॉईल करके रखी है वो डाल दें, इसको पकने दें थोड़ी देर तक, तो वो वाटरी भी बनता है तो आप उसको चावल के साथ खा सकते हैं, ब्राउन राइस से भी खा सकते हैं, रोटी से खा सकते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आप प्रेशर कुकर खोलते हैं तो घोटना बोलते हैं, घोटते ही है, हाँ सब्जी को अच्छी तरह घोट दो, पालक को घोटना बहुत ज़रूरी है नहीं तो पालक के पत्ते जब बुरे लगते हैं, तो ये अगर ब्राउन राइस के साथ आप खाए तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट डाइट।